आज हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गया है, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, मेरा वेट बहुत बढ़ गया है तो मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है। तो एक्चुअली ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक फ्रूट लिया तो फ्रूट बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ या फैट्स में कन्वर्ट हुआ, जो भी है, वो कन्वर्शन होने के लिए केमिकल रिएक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है एंड दिस इज़ नथिंग बट मेटाबॉलिज्म। सिमिलरली हमारे बॉडी में जो भी टिश्यू रिपेयर होता है, मसल फॉर्मेशन है, फैट फॉर्मेशन है, हेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, स्किन का फॉर्मेशन हो रहा है, हर चीज़ के लिए केमिकल रिएक्शंस का होना बहुत ज़रूरी है एंड केमिकल रिएक्शंस अगर बॉडी में हो रहा है इट मीन्स मेटाबॉलिज्म इज़ हैपनिंग इन द बॉडी। इफ़ अ पर्सन इज़ अलाइव देन इट मीन्स मेटाबॉलिज्म इज़ हैपनिंग इन द बॉडी। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्सन अगर ओबेस है तो उनका मेटाबॉलिज्म हमेशा स्लो हो, इट कैन बी वेरी हाई ऑल्सो। सो मेटाबॉलिज्म अगर कम है तो भी प्रॉब्लम है एंड इफ़ द मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी हाई देन ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम, इट शुड बी इन बैलेंस। सो हमारा एम है कि वेट लॉस में हमें मसल मास जो है उसको बढ़ाना है और फैट को कम करना है। मसल यूजेस मोर एनर्जी दैन फैट टू डू एनी वर्क, सो मोर एनर्जी एंड मोर वर्क मीन्स बर्निंग मोर कैलोरीज। सो आपको वेट लॉस करना है तो क्या चाहिए? ज़्यादा मसल मास चाहिए एंड कम फैट चाहिए। सो द आइडियल वेट लॉस इज़ रिड्यूसिंग द फैट by improving your metabolism and improving your muscle mass. And Ayurvedic treatments are ideal for this. चलिए जानते हैं कैसे। According to Ayurveda, obesity में involved रहता है कफ dosha and excess medha dhatu. मतलब medha dhatu दुष्टि रहता है, that is excess accumulation of fat in the body. आयुर्वेदिक मेडिसिंस लेने से कफ dosha बैलेंस होता है एंड इट improves द metabolism सो दैट इट helps इन बर्निंग द फैट। एंड इन obesity, बिकॉज ऑफ एक्सेस वेट एंड पेन्स इन द बॉडी, आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते एंड इफ़ यू फोर्स योर सेल्फ यू विल एंड अप डैमेजिंग योर मसल्स और बोन्स। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है बट इट शुड बी लो टू मीडियम इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज, वॉट एवर योर बॉडी कैन टॉलरेट। केरली में हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स प्लान करते हैं डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप ऑफ अ पर्सन। सबका बॉडी अलग अलग रहता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉडी वी एनालाइज द बॉडी एंड देन वी प्लान अ ट्रीटमेंट विच इंक्लूड्स पंचकर्मा थेरेपीज, उद्वर्तनम, वस्ति एंड मेनी अदर ट्रीटमेंट्स विच हेल्प्स इन इंच लॉस विच इज़ अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। इसके साथ साथ द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग लाइटर, मच मोर हेल्दियर एंड अलॉन्ग विद दैट When Ayurvedic diet is followed, it gives wonderful results. ये treatment से आपके body से toxins जो है वो बाहर निकल जाते हैं, it improves your metabolism, reduces the fat and improves your muscle mass, या फिर muscles को tone up करते हैं। After these treatments, you can plan a proper exercise regimen for yourself and you can follow it, which will help in much more better results.